बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना PSY 404 का लेसन नंबर 34 करेंगे। आज के लेसन में हम लोग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में आज एक तो पर्सनैलिटी चेंज ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग इसकी एटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि मेन वजूहत क्या होती हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में। अच्छा, पर्सनैलिटी चेंज ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन का क्या मतलब होता है? किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से, किसी और बीमारी की वजह से किसी के पर्सनालिटी में अगर तब्दीलियां आने लग जाएं, हमें ये नज़र आने लग जाए कि उसकी जो पर्सनालिटी है वो डिस्टर्ब हो रही है, उसकी पर्सनालिटी में जो पहले करेक्टरिस्टिक्स होते थे वो अब नहीं रहे, चेंज होते चले जा रहे हैं, तो इसको हम लोग पर्सनैलिटी चेंज टू अनदर मेडिकल कंडीशन बोलेंगे। ये इसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है? एक तो ये है कि इंसान की जो पहले जो उसकी पर्सनालिटी में करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते थे उसमें तब्दीलियां आएंगी। अगर कोई बच्चा है तो उसमें आप लोग ये देखेंगे कि पूरे पिछले एक साल के अंदर उसके बिहेव करने के पैटर्न्स काफ़ी हद तक चेंज हुए होंगे, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, और ये किसी और मेडिकल बीमारी की वजह से हो रही है। इसमें आप लोग पूरी हिस्ट्री देखेंगे, फिज़िकली एग्जामिनेशन करेंगे, जिस्मानी तौर पे मुआयना करेंगे आप लोग इंसान का, लेबॉर्ट्री टेस्ट के थ्रू आप लोग सारा डेटा आप लोग इकट्ठा करेंगे, और फिर आप लोग ये देखेंगे कि क्या वाकई में किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से ही ये कोई पैथोफिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, किसी और मेडिकल कंडीशन का अफेक्ट है जिसकी वजह से पर्सनैलिटी चेंज हो रही है या कि नहीं। ये वाली जो डिस्टर्बेंस होती है इसको आप लोग किसी मेंटल डिसऑर्डर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी कि किसी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से नहीं होगी, किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से होगी। अच्छा, इसमें ये भी आप लोगों ने देखना होता है कि डिलीरियम के कोर्स के दौरान, यानी कि अगर कोई और मेडिकल कंडीशन है इंसान को, ठीक है, तो अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके फिर कोर्स के दौरान ये वाली जो डिसऑर्डर्स हैं ये आपको नज़र नहीं आएंगी, और इससे इंसान को डिस्ट्रेस का और मसलों का भी सामना करना पड़ेगा, सोशल ऑक्यूपेशन दूसरे एरियाज के अंदर। अब हम लोग इसकी एटियोलॉजी की बात करते हैं। जितने भी क्लिनिशियंस आए हैं उन्होंने पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स के बारे में तो बड़ी इन्होंने स्टडी किया है, लेकिन अभी तक कोई ख़ास कामयाब नहीं हो सके इनकी वजूहत बनाने में। इन डिसऑर्डर्स का जो ओरिजिन होता है, क्या होता है, इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज़ का तनाज़ा चल रहा है। कोई कोई बात कहता है, कोई कुछ कहता है। खैर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट होता है। अब वो वाले थ्योरिस्ट जिनका ताल्लुक बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट्स होता है, वो तो पर्सनैलिटी के ऊपर बिलीव रखते ही नहीं है, उनका सिर्फ बिलीव होता है बिहेवियर के ऊपर। वो कहते हैं पर्सनैलिटी कोई चीज़ नहीं होती, बस इर्द गिर्द जिस किस्म का इन्वायरमेंट होगा इस किस्म का इंसान का बिहेवियर होगा। तो आप लोग इन्वायरमेंट देखें, बिहेवियर देखें, आपको बात समझ में आ जाएगी, पर्सनैलिटी वाले झंझटों में आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो पुरानी जो एक रवायती सोच होती थी उसमें वो यही कहते हैं कि जो इंसान के जो माजी के या जो बचपन के तजर्बात होते हैं ना, बचपन में अगर तो बच्चे ने चीज़ को परसेप्ट करना ठीक तरीके से नहीं सीखा, रिस्पॉन्स करना ठीक तरीके से नहीं सीखा, तो उसकी वजह से उसके अंदर ये वाली सारी डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकती हैं। पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स ये कहते हैं कि फ्रॉन्टल, टेम्पोरल और पैराइटल लॉब्स, ये तीन लॉब्स होते हैं, अगर इनमें कोई एबनॉर्मेलिटीज हों तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकती हैं, और अगर इन लॉब्स के अंदर के स्ट्रक्चर में या फंक्शन में चेंजेस हों तो पर्सनैलिटी जो है वो चेंज हो सकती है। अब ये वाली एबनॉर्मेलिटीज़ हो कैसे सकती हैं? या तो ये है कि कोई इंजरी होगी, या कोई किसी इंसान किसी ट्रॉमा से गुजरा होगा, या कुछ जेनेटिक्स का भी इसमें अमल दखल होता है कि किसी का ये वाले जो लॉब्स होते हैं तीनों ये एबनॉर्मल होते हैं, तो उसकी वजह से इंसान की पर्सनैलिटी एबनॉर्मल हो सकती है। मज़ीद वो ये कहते हैं कि न्यूरॉन्स और जो ग्लिया सेल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, मोनोअमाइंस जनरेट करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो इन अमाइंस को, इन ये जो मोनोअमाइंस होते हैं ना, इनको डिग्रेड करने के लिए एक एंजाइम होता है, डिमिनिश्ड मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, ठीक है। तो अगर इस एंजाइम में अगर कोई ख़राबी होती है, एक तो इस वजह से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होंगे, दूसरे जो सेरोटोनिन लेवल होते हैं ना, अगर उनमें कोई इम्बैलेंस हो तो भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। लेकिन इनकी एनाटमी, इनका मतलब जो स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का, वो रिसेप्टर्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स, इन तीनों के ही जो इतना भी जो रिलेशनशिप होता है वो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि इनका ताल्लुक होता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के साथ। अब इसमें अगर हम लोग जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो कोई क्लियर कट हमारे पास एविडेंस मौजूद नहीं है कि कुछ जेनेटिक्स का भी इसमें कोई असर होता है, लेकिन ये बात देखी गई है कि वो लोग जिनके करीब के रिश्तेदारों में स्किज़ोफ्रेनिया होता है उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डिवेलप होने के एज़ कम्पेयर टू दी अदर जनरल पॉपुलेशन। अब हम लोग इनमें बारी बारी तमाम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की एटियोलॉजी को पढ़ते हैं।
एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्यों होती है, इसमें वरासत का अमल दाखिल होता है। जेनेटिक्स इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। एडॉप्शन स्टडीज़ की गई हैं, यानी कि वो बच्चे जिनको अडॉप्ट करके पाला गया है, उनकी स्टडी से ये पता चला है कि वो बच्चे जिनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी कि जो खून के जो पेरेंट्स होते हैं, अगर वो पेरेंट्स एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले हों या ड्रग्स वगैरह में ज़्यादातर रहे हों, तो ऐसे बच्चों में ज़्यादा चांसेस होते हैं एंटी सोशल बिहेवियर की। जो दूसरे बच्चे होते हैं इनके पेरेंट्स नॉर्मल होते हैं, उनमें एंटी सोशल बिहेवियर इतना ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद ब्रेन के सारे प्रोसेसेस को भी स्टडी किया गया है और ये देखा गया है कि ब्रेन के अंदर केमिकल चेंजेस जैसे कि सेरोटोनर्जिक डिसरेगुलेशन इन द सेप्टो हिपोकैम्पल सिस्टम, जो हिपोकैम्पस का सारा जो सिस्टम होता है उसके अंदर सेरोटोनिन की अगर डिसरेगुलेशन वगैरह हो जाए तो भी उसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्रिएट होती हैं। मज़ीद ये भी कहते हैं कि हमारा जो प्री फ्रॉन्टल ब्रेन सिस्टम्स होते हैं, अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह हों या ऑटोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाए, जो एक ऑटोनॉमिक अराउजल वगैरह होता है, तो उस वजह से भी ये होता है। और जब लो अराउजल होता है तो इंसान क्या करता है कि किसी चीज़ से डरता नहीं है। अराउजल तभी होता है इंसान को किसी चीज़ से खौफ तभी महसूस होता है जब बॉडी में अराउजल होता है। तो जब अराउजल ही काम हो रहा है तो इंसान के अंदर ना खौफ नहीं होता और डिसीजन लेने की भी उसके अंदर कमी होती है, जिसकी वजह से उसका एंटी सोशल बिहेवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें वो ये कहते हैं कि साइको सोशल फैक्टर्स होते हैं। इसमें ये होता है कि अगर तो बच्चे ने एक ऐसे माहौल में ज़िंदगी गुजारी जहाँ पे पेरेंट्स सेपरेट हो चुके थे, गालम गलोच होता था हर वक्त, इमोशनल एब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होती थी, तो फिर बच्चे के अंदर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ज़्यादा क्रिएट होती है। शुरू में सेक्सुअल, फिज़िकल या कोई इमोशनल एब्यूज़ वगैरह मौजूद थी माहौल के अंदर, तो जो बॉर्डरलाइन सिंड्रोम की वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें कुछ होते हैं। जो मूड डिसऑर्डर्स होती हैं ये ज़्यादातर देखी गई हैं कि अगर जो करीब के रिश्तेदार होते हैं अगर उसमें मूड डिसऑर्डर ज़्यादा पाया जाए तो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इंसान को ज़्यादा होता है। बाकी बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, प्री फ्रॉन्टल न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग यानी कि प्री फ्रॉन्टल लॉब में ठीक तरीके से फंक्शनिंग नहीं हो रही, या मोनो एमिनर्जिक फंक्शनिंग उसकी एबनॉर्मल फंक्शनिंग है, तो ये भी कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई वेल एस्टैब्लिश रिसर्च मौजूद नहीं है। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसके जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में रिसर्च कुछ ज़्यादा नहीं की गई, बहुत कम इसके बारे में रिसर्च मौजूद है। साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव वाले जो हैं उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन किया है हिस्टेरिया को, उनको बड़ा इंटरेस्ट रहा था हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। साइकोएनालिटिक थ्योरीज यही कहती हैं कि वो वाले पेशेंट जिनके फादर्स बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, अथॉरिटेरियन होते हैं, अपना फैसला मुसल्लत करने वाले होते हैं, ऐसे बच्चों में हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ज़्यादा होता है। ज़्यादातर जो साइकोडायनामिक थ्योरीज, उनका यही बिलीव था कि एज अ चाइल्ड यानी कि बचपन में अगर तो किसी भी इंसान के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज के हों, कंट्रोलिंग हों, और फिर इससे क्या होता है कि बच्चे ये फील करते हैं कि हमसे प्यार नहीं करते हमारे पेरेंट्स, खौफज़दा फील करते हैं, तो इन फियर्स की वजह से इंसान की ये पर्सनैलिटी हो जाती है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो फिर वो क्या करते हैं कि एक ड्रामेटिकली बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बचपन में ये अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सख्त हों तो बच्चे छोटी छोटी बात पे बहाने बहुत बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उस वजह से ये वाली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकती है। नार्किसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसके बायोलॉजिकल फीचर्स के बारे में कोई डेटा मौजूद नहीं है। साइकोडायनामिक थ्योरिस्ट ने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है एज़ कम्पेयर टू दी अदर थ्योरीज, और अगेन इन्होंने यही कहा है यहाँ पे कि पेरेंट्स का अगर रवैया बहुत ज़्यादा ठंडा हो, रिजेक्टिंग पेरेंट्स हों, तो ये वाले प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। मजीद उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई ऐसा इंसान जिसका बैकग्राउंड ऐसा है कि उसने सारी ज़िंदगी अपना दिफा ही किया है, पेरेंट्स बस बहुत ज़्यादा मारने पीटने वाले थे, अपना खुद को डिफेंड करते रहे हैं, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर अनसेटिस्फाइड खुद को फील करते हैं, उनको यही होता है कि मुझे सारी ज़िंदगी रिजेक्ट किया गया है, बहुत ज़्यादा एक शर्मिंदा फील करते हैं, अपनी काबिलियत के बारे में उनको शक होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो दूसरों खुद को ना बस यकीन दिलाते रहते हैं कि हम परफेक्ट हैं, खुद को हौसला देते रहते हैं, और यही वजह है कि उनको फिर शौक होता है कि दूसरे हमारी तारीफ़ करें। नार्किसिज्म में क्या होता है कि क्योंकि इंसान की लो सेल्फ़ इस्टीम होती है, तो लो सेल्फ़ इस्टीम का मुकाबला करने के लिए उनको यही एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि हमें दूसरे एडमायर करें। साइकोडायनामिक मॉडल इस डिसऑर्डर के बारे में ऐसे ही बताते हैं कि एक बच्चा जो कि किसी एक एडल्ट बंदे को
आइडियलाइज कर देता है कि कर लेता है, ठीक है। अब उसमें और बच्चे के अंदर जो एक डेवलपिंग चैलेंज है वो बड़ा हो रहा है, तो बच्चा ख़ुद को भी इवेल्युएट करता है मेरे अंदर कौन कौन से खसूसियात पाई जाती हैं। तो उसके आइडियल में और अगर उस बच्चे के अंदर इम्बैलेंस पाया जाए तो भी ये वाली जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है ये हो सकती है। उसके बाद अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसके बारे में बायोलॉजिकल काजेस पर तो कोई डेटा मौजूद नहीं है। इसका ताल्लुक लगाया जाता है एनजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ, कि अगर शुरू में इंसान ट्रॉमा से गुजरा हो, फियर से, खौफ से गुजरा हो, उसने कुछ अपने गलत बिलीव्स बनाए हुए हों, ठीक है, मतलब एक होता है ना कि अपसेटिंग बिलीव्स के भाई मेरे अंदर कोई सलाहियत मौजूद नहीं है, मैंने दूसरों के साथ बातचीत नहीं करनी, और कुछ बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं, ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के क्रिएट होने के अंदर। लेकिन डायरेक्टली इनको जो है ना एनजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ रिलेट नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है कि वो लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्जन होते हैं, न्यूरोटिसिज्म यानी कि बार बार बैठ के चीज़ों के ऊपर कोड़ना, ख़ुद को नेगेटिव वे में इवेल्युएट करना, तो ऐसे लोगों के अंदर फिर अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्रिएट होती है। अच्छा, उसके बाद डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसकी भी कुछ जेनेटिक्स या कोई बायोलॉजिकल ट्रेट्स के बारे में तो कोई स्टडीज़ मौजूद नहीं है। साइकोडायनामिक एक्सप्लेनेशंस इसके बारे में इस तरीके से देते हैं कि ये डिप्रेशन के साथ मिलती जुलती एक डिसऑर्डर है। इसमें कोई भी इंसान है ना बहुत ज़्यादा शेम फील करता है, इनसिक्योर फील करता है बहुत ज़्यादा, और वो इस वजह से फील करता है कि उसको ना दूसरों के साथ एक अटैचमेंट चाहिए होती है हर वक्त, और ये इस वजह से होता है कि बचपन में ना बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर किया होता है उसके पेरेंट्स ने, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट किया होता है, तो यही वजह होता है कि बच्चा डिपेंडेंट रह जाता है दूसरों के ऊपर, वो खुद कोई भी काम नहीं कर सकता, इनसिक्योर फील करता है दूसरों के बगैर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये आप लोगों को पता है कि इसमें इंसान को वहम होता है कि बस जैसे चीज़ है ना एक ऑर्गेनाइज मैनर में होनी चाहिए, इधर उधर हट के भी नहीं होनी चाहिए, काम को 10-10 दफ़ा करेंगे। ऐसी जो पर्सनैलिटी होती है इसमें एक हेरिटेबिलिटी भी इसमें ज़्यादा होती है, यानी कि आगे नसर दर नसर भी ये चलने वाली एक होती है चीज़। फ्रेड जो थे थ्योरिस्ट वो ये कहते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये एनल रिडेंटिव होती है, यानी कि बच्चे के अंदर जब एनल स्टेज आती है ना, जब माँ ने बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग करानी होती है, ये उस स्टेज पे ये डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर माएँ बहुत ज़्यादा सख्ती से काम लें, बच्चों को डांटें डपटें टॉयलेट ट्रेनिंग में, तो क्या होता है कि बच्चे के अंदर भी ना गुस्सा भरना शुरू हो जाता है, बच्चा उस एक स्टेज पर फिक्सेटेड हो जाता है, वो अपने गुस्से को भी कंट्रोल करने की भी उसके अंदर एक आदत पैदा हो जाती है, गुस्से को भी तो कंट्रोल करता है, रिसिस्ट करता है अपने गुस्से को, और साथ में जो अपनी बॉबल मूवमेंट्स होती हैं ना उनको भी रिसिस्ट करता है। जाहिर सी बात, उसको पता होता है कि भाई मैंने कंट्रोल ना किया तो मेरी मम्मा मुझे डांटेंगी, तो इंसान के अंदर आदत होती है बॉबल मूवमेंट्स की, तो हर चीज़ को फिर अब क्योंकि वो खुद को बॉबल मूवमेंट्स को वो कंट्रोल कर रहा होता है, तो हर चीज़ को कंट्रोल करने की उसको आदत होती है, फिर उसके अंदर शदीद ये चीज़ पैदा हो जाती है कि हर चीज़ को एक ऑर्डर की फॉर्म में करता है, और कलेक्टर भी बन जाता है, चीज़ों को कलेक्ट करना भी उसकी एक आदत बन जाती है। साइकोडायनामिक थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि ये शुरू शुरू में कुछ पेरेंट्स होते हैं ना जो कि या तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या कुछ पेरेंट्स ऐसे होते भी हैं जो कि बच्चों को इंडिपेंडेंस की तरफ यानी कि उसको थोड़ा देते हैं कि बच्चे को भी एक फ्रीडम होती है। तो खैर जो भी होता है ना, अर्ली स्टेजेस में पेरेंट्स का किस किस्म का कंट्रोल रहा है, यहीं से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स बिल्ड होती हैं। और ये भी कहते हैं कि जो पेशेंट्स होते हैं जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले, वो उनको यही होता है कि अगर हमने चीज़ों को कंट्रोल ना किया ना, तो हमें किसी शेम का सामना करना पड़ेगा, हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए जो हर चीज़ को कंट्रोल मैनर में करते हैं, जिससे उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी उनकी बन जाती है। तो ये आज का जो लेक्चर है ना, इसको बस आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है ताकि आप लोग इनको अपनी वर्डिंग में लिख सकें, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आप सब लोगों को हज पे लेके जाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।